हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बनाना शीरा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाना शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका शुगर सिरप बना लेंगे। एक बर्तन में इस कप की मेजरमेंट से एक कप मैं ले रही हूँ चीनी और दो कप लूँगी मैं पानी। और एक कप मैं लूँगी दूध। गैस ऑन कर लेंगे और हमारी चीनी घुल जाए तब तक हमें इसे पकाना है लो से मीडियम फ्लेम पे। अगर आप चाहें तो पानी और दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दूध यूज़ करना चाहते हैं तो दो कप दूध यूज़ कर लीजिए, एक कप पानी। या पूरी तरह से दूध में बनाना चाहते हैं तो आप दूध में भी बना सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। जब तक हमारा चीनी घुल रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में इसी कप की मेजर से मैंने 3/4 कप यानी 3/4 कप घी लिया है, क्लैरिफाइड बटर जो मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा आप उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, अपनी चॉइस की कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ते ले रही हूँ और साथ ही में किशमिश, ये मैंने 2-2 चम्मच लिया है सबका। इसे सेक लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। ड्राई फ्रूट्स का जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर लूँगी, 8 से 10 है। किशमिश आप पहले ऐड करेंगे तो वो फूलने लगेंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा बाद में ऐड करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे केले यानी कि बनाना। ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपको बड़े मिल जाते हैं तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक स्लाइस किए हुए। और देखिएगा कि अगर पके हुए बनाना मिले आपको तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बनाना पूरे नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे दबाते हुए मैश कर सकते हैं, इजीली मैश हो जाएंगे ये। ये हमने हमारे बनाना को भी 2 से 3 मिनट तक घी में सेक लिया है। ऐसा करने से जो केले हैं, जो बनाना है, उसमें कच्चापन फील नहीं होता, जो घी का टेस्ट है वो उसमें चढ़ जाता है। अब हम ऐड कर लेंगे उसी कप से मेजर करते हुए 1 कप सूजी यानी कि रवा, जिसे इंग्लिश में सेमोलिना भी कहते हैं। और हमें इसे सेकना है जब तक कि जो सूजी का कलर है वो हल्का सा ब्राउन की तरफ ना आ जाए। लेकिन मेक श्योर करिएगा आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, वरना सूजी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। शीरा को ऐड करने के बाद में हमने इसे तकरीबन 10 मिनट तक घी में सेका है और इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है, हल्का सा ये ब्राउन की तरफ आने लगा है, गोल्डन की तरफ आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा चीनी वाला दूध। फ्लेम को हम रखेंगे स्लो और धीरे धीरे हिलाते हुए दूध ऐड कर लेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। फ्लेम रखेंगे स्लो पे ही और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जो सूजी हमने भूनी है, सेकी है घी के अंदर, उसके वजह से ये जल्दी से सारा जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए ये थिक होने लगा है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट और आपका ये जो चीनी और दूध वाला पानी है सूजी बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेगा। ये रेडी हो गया है, ये देखिए ये पैन से साइड छोड़ने लगा है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर तकरीबन 10 मिनट तक इसे
पकने देंगे। इसे ढकते हैं और 10 मिनट तक पका लेते हैं। फ्लेम रहेगा लो पर ही। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। साइड से जो घी है वो बाहर आने लगा है। फ्लेम से बंद कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। एक बोल में हमने शीरा भर रहे हैं और हमें इसे टाइटली भरना है ताकि ये जब हम इसे अपसाइड डाउन करें, उल्टा करें, तो प्रॉपरली निकल आए। इस तरह से दबाते हुए एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और बहुत धीरे से इसे पलटाएंगे। कुछ इस तरीके से साइड में टैप करते हुए से हम कुछ बनाना से गार्निश कर लेंगे। और इसके किनारों पे बनाना लगा लेने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी बादाम कटा हुआ और कुछ कटे हुए पिस्ते। तो रेडी है हमारा बनाना शीरा। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।